अगर आप पेटीएम या कोई भी ऑनलाइन वॉलेट यूज करते हैं तो वीडियो आपके लिए काफी खास होने वाला है। जी हाँ, इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे एक शख्स को 700 रुपए कैशबैक के चक्कर में 2.5 लाख रुपए गंवाने पड़ गए। चलिए आपको बताते हैं क्या है पूरा माजरा इस वीडियो में। आप देख रहे हैं R9 TV और आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। एक शख्स जिसका नाम गौरव है, जी हाँ, पानीपत का एक शख्स गौरव, जिसके पास पेटीएम की तरफ से कॉल आता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पेटीएम की तरफ से नहीं, जो बंदा कॉल करता है वो ये दावा करता है कि वो पेटीएम का अधिकारी है, लेकिन एक कॉल एक फ्रॉड कॉल होती है। और उसके पास कॉल आता है और वो कहता है कि सर आप पेटीएम यूज करते हैं जिसकी वजह से आपको 700 रुपए का कैशबैक मिला है। और ये सुनकर जो शख्स होते हैं गौरव, वो काफी खुश हो जाते हैं, सोचते हैं कि जो पेटीएम या ई वॉलेट यूज करते हैं जिसमें अक्सर ये ऑफर्स रहते हैं कुछ ना कुछ मिलने के, वो उनको एक ऑफर मिला, उनको उस ऑफर के तहत 700 रुपए मिले हैं। इसके बाद जो पेटीएम का अधिकारी बनने की नौटंकी कर रहा होता है, वो शख्स बोलता है कि सर आपके फोन पर एक लिंक शेयर किया गया है, उस लिंक को आप ओपन करके रजिस्टर्ड करें अपना फोन नंबर और जो पर्सनल डिटेल्स थी वो डिटेल्स उस लिंक में मांगी गई थी। तो जो पीड़ित था यानी कि गौरव, उन्होंने वो एप्लीकेशन जो था या ये कहें कि जो लिंक था उसको ओपन किया और अपनी सारी डिटेल्स फिल कर दी। फिर क्या था, जो ऑनलाइन ठग बैठा था उसके पास जो गौरव है उनके हर अकाउंट डिटेल का एक्सेस पहुंच गया और सारी डिटेल उनके पास पहुंच गई। तो उस ठग ने गौरव के जो भी अकाउंट्स थे उन सभी अकाउंट से लगभग 2.5 लाख रुपए ठग लिए। जी हाँ, और सबसे बड़ी बात इसमें यह रही कि केवल एक अकाउंट से 2.5 लाख रुपए नहीं ठगेगा, करीब 3 अकाउंट का इस्तेमाल किया गया और उसमें से एक क्रेडिट कार्ड भी था, जिसमें से कुल मिला जुलाकर 2.5 लाख रुपए तक का ये कहें कि चोरी की गई या ये कहें कि ठगी की गई। सबसे पहले उसने कहा कि आप अपने अकाउंट डिटेल दीजिए, तो उसने पहले उनके अकाउंट से 90,000 रुपये उड़ा दिए। फिर उसने कहा कि आपके जो पैसे कटे हैं कुछ देर में आपके अकाउंट में आ जाएंगे, पर इसके लिए मुझे आपकी जो डेबिट कार्ड है उसकी डिटेल्स चाहिए होगी। गौरव ने जो थे यानी कि जो पीड़ित थे, उन्होंने अपने जो डेबिट कार्ड है उसकी डिटेल्स भी ठग को दे दी। फिर उसने उनके डेबिट कार्ड से भी पैसे चुरा लिए। फिर इसके बाद फिर से उसने कॉल की और कहा कि जो आपके पैसे ये कटे यानी कि जो दोनों पैसे कट चुके हैं, ये दोनों पैसे अब आपके क्रेडिट कार्ड में ट्रांसफर किए जाएंगे। ऐसे में उसने गौरव से इसी बहाने उनके क्रेडिट कार्ड की डिटेल मांग ली और गौरव ने अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल भी उस ठग को सौंप दी। फिर क्या था, फिर उस ठग ने उनके क्रेडिट कार्ड से भी पैसे उड़ा लिए। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कैसे इसने बड़े शातिर तरीके से एक व्यक्ति को झांसा दिया और उसके अकाउंट से कुल मिला जुलाकर लगभग 2.5 लाख रुपए की ठगी कर ली। ये मामला जब पुलिस के पास पहुंचा तो पुलिस भी हैरान रह गई कि कैसे उस ठग ने कितने शातिर तरीके से ये सारी चोरी को अंजाम दिया। फिर इसके बाद पुलिस तफ्तीश में जुट चुकी है, लेकिन तफ्तीश में अभी तक ये पता चला है कि जिस ठग ने ये चोरी की और जिस नंबर से कॉल आया था उसके माध्यम से पता चला है कि उसने कोलकाता में ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए काफी ज्यादा जो मतलब पैसे थे, लगभग आधे से ज्यादा पैसे कोलकाता में खर्च कर दिए हैं। उसने ऑनलाइन शॉपिंग की है, पेंटालूंस के कार्ड खरीदे हैं, कुछ गोल्ड वाउचर्स खरीदे, इस तरीके से उसने इन पैसों को खर्च कर दिया। अभी देखना होगा कि आरोपी पकड़ में कब आता है। और दूसरी तरफ आपको भी हमें सचेत करेंगे, अगर आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं तो काफी सहज होकर आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करें, और अगर आपके पास कोई ऐसी कॉल आती है तो उस कॉल पर आप अपने बैंक की डिटेल्स बिल्कुल भी ना दें और ना ही अपना कोई ऐसा पासवर्ड शेयर करें जिसके तहत आपको कोई भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ठग के साथ साथ जो गौरव से जो पीड़ित थे उनकी भी थोड़ी बहुत गलती थी, यानी कि वो 700 रुपए के चक्कर में झांसे में आते चले गए और अपनी सारी डिटेल्स उस ठग को दे दी। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल R9 TV को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।